जय हिंद, वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 JCERT इंग्लिश बुक का यूनिट 5B फॉरेन लैंड का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज अ चेरी? आप क्या सोचते हैं चेरी के बारे में? चेरी एक हर्ब है। हर्ब क्या होता है? हर्ब एक टाइप का प्लांट होता है जिसको हिंदी में हम लोग जड़ी बूटी के नाम से भी जानते हैं। इसका एक एग्जांपल हो गया तुलसी प्लांट या फिर पुदीना, ये सब इसका एग्जांपल हो गया। अ फ्रूट, चेरी एक फ्रूट है या फिर एक वेजिटेबल है, सब्जी है। तो चेरी एक फ्रूट है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द चाइल्ड मीन बाई फॉरेन लैंड्स हेयर? इस पोएम में चाइल्ड, जो बच्चा है, उसका फॉरेन लैंड से क्या मतलब है? तो इसका पहला ऑप्शन है द लैंड्स विच ही हैज़ नॉट सीन बिफोर, एक ऐसा जगह, एक ऐसा भूमि जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है। दूसरा ऑप्शन है द लैंड नेक्स्ट डोर टू हिम, नेक्स्ट डोर का मतलब होता है सामने या फिर बाजू वाला। तो यहाँ पे है कि द लैंड नेक्स्ट डोर टू हिम, एक ऐसा भूमि जो उसके सामने है। ऑप्शन थ्री सी है द लैंड जस्ट आउटसाइड हीज होम, एक ऐसा भूमि जो उसके घर के बाहर है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा द लैंड विच ही हैज़ नॉट सीन बिफोर, एक ऐसा जगह जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। इसका सेकेंड का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, द पोएम रिफ्लेक्ट्स दैट द चाइल्ड इज, इस पोएम में बच्चा जो है वो क्या है? एक्साइटेड है, एक्सप्लोरिंग है या ईगर है? एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित, एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है खोजने वाला, ईगर का मतलब होता है उत्सुक। तो इस पोएम में जो जो राइटर है वो बच्चा को एक्साइटेड दिखाए हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास स्टैंड्स फॉर? यहाँ पे जो आसमान है वो ब्लू दिख रहा है, एकदम मिरर की तरह, ग्लास की तरह, इसका क्या मतलब है? तो इसका ऑप्शन ए है द स्काई इज़ ब्लू एंड एब्सोल्युटली क्लियर, जो आसमान है वो ब्लू है, नीला है और पूरा क्लियर है, मतलब बादल नहीं है। ऑप्शन बी है द स्काई इज़ हैविंग ब्लू क्लाउड्स, जो आसमान में है सो नीले कलर के बादल हैं। ऑप्शन सी है द स्काई इज़ हैविंग स्टार्स, और आसमान में है सो तारे हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा द स्काई इज़ ब्लू एंड एब्सोल्युटली क्लियर। जो पोएम पढ़े हैं उनको अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई द चिल्ड्रेन डाइन एट 5, जो बच्चे हैं वो क्यों 5 बजे है सो खाना खा लेते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, दे वांट टू स्लीप अर्ली, क्योंकि वे चाहते हैं जल्दी सोना। दे वांट टू प्ले मोर एंड मोर, वे चाहते हैं और ज़्यादा बहुत खेलना एकदम। दे वांट टू स्टडी, वे लोग पढ़ना चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दे वांट टू प्ले मोर एंड मोर। हम लोग जानते हैं कि बच्चे लोग खेलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, खेलना बहुत चाहते हैं, पढ़ना भी उतना नहीं चाहते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे है सो पोएम का स्टेंजा दिया हुआ है और उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अप इन टू द चेरी ट्री हु शुड क्लाइम बट लिटिल मी, आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स एंड लुकड अब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स। तो इससे पहला क्वेश्चन है हु इज मी हेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा हेयर मी इज पोएट। यहाँ पे जो मी है इस पोएम में, यहाँ पे वो कौन है? पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज द स्पीकर वांट्स टू क्लाइम, जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो कहाँ पे है सो चढ़ना चाह रहा था? तो इसका आंसर है द स्पीकर वांट टू क्लाइंब अप द चेरी ट्री, जो स्पीकर है वो चेरी ट्री पे चढ़ना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज ही वांट टू क्लाइंब, वह क्यों है सो वो क्यों चढ़ना चाह रहा था पेड़ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा एक मिनट, ही वांट टू क्लाइंब चेरी ट्री
टू लुक इन टू फॉरेन लैंड एंड इंजॉय द व्यू। वह जो है वो चेरी ट्री पे इसलिए चढ़ना चाह रहा था ताकि ऐसे वो दूर दूर का नज़ारा देख सके और जो अच्छा व्यू जो दिखेगा उसको एंजॉय कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक और पोएम का स्टेंजा दिया हुआ है और उससे क्वेश्चन पूछा गया है। टू वेयर द रोड्स ऑन आइदर हैंड लीड ऑनवर्ड इन टू फेरी लैंड वेयर ऑल द चिल्ड्रेन डाइन एट 5 एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव। इस स्टेंजा से पहला क्वेश्चन है, वेयर आर द रोड्स लीडिंग, जो रोड्स है वो किस ओर ले जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, द रोड्स ऑन आइदर हैंड आर लीडिंग ऑनवर्ड्स इन टू फायरी लैंड। जो रोड्स है दोनों जो हाथ मतलब दोनों साइड के जो रास्ते हैं, लेफ्ट और राइट साइड के रास्ते हैं, वो कहाँ लेके जा रहे हैं, तो एक परियों की दुनिया में लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द चिल्ड्रेन डा वेन डू द चिल्ड्रेन डाइन, जो बच्चे हैं वो कितने बजे कब खाना खा लेते हैं। तो इसका आंसर है, द चिल्ड्रेन डाइन एट 5 o'clock, जो बच्चे हैं वो 5 बजे खाना खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड टू द प्ले थिंग्स, जो खेलने वाले खिलौने जो थे उसके साथ क्या हुआ। तो देखो देखिए इसका आंसर क्या है, द प्ले थिंग्स कम अलाइव, जो खिलौने थे वो जीवित हो गए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फाइंड वर्ड्स इन द पोएम दैट मीन द सेम एज, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उसी से मिलता जुलता वर्ड्स हम लोग को पोएम से खोजना है। तो पहला है फाइन या चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक, तो इसका हो जाएगा प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब भी होता है आकर्षक। वॉकिंग वियरली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसका हो जाएगा ट्रैम्पिंग, ट्रैम्पिंग का मतलब होता है वॉकिंग हैवली, जल्दी जल्दी चलना बहुत देर समय तक। नेक्स्ट हो जाएगा द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ हाई, हाई का कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है। तो हाई का कंपेरेटिव डिग्री हायर होता है। तीन तरह का डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अगर हाई का अगर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बोले तो हाईएस्ट हो जाएगा, ये है इसका कंपेरेटिव डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं डेकोरेटेड, डेकोरेटेड का मतलब होता है सजा हुआ, इसका हो जाएगा अडॉर्न, अडॉर्न का मतलब भी होता है सजा हुआ। टॉयज, टॉयज का मतलब होता है खिलौना, इसका हो जाएगा प्ले थिंग्स, खेलने वाली चीज़ें या खिलौना। द मेन स्टेम ऑफ अ ट्री, ट्री का जो तना होता है उसको और क्या बोलते हैं, तो उसको और तना ट्रंक बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।